हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्विक सा चिकन पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1.25 किलो चिकन। उससे पहले हम मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच काली मिर्च और जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच थिक दही और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। और मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च और लौंग, और 1 बादियान फूल आधा टुकड़ा, और मैंने 1/2 नींबू का रस शामिल किया इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटा, जितना आपके पास टाइम है। ये मैंने बासमती चावल लिया है 3 गिलास। इसे हम धुल के साफ़ करके साफ पानी में भिगो के रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले ली है, इसे स्लाइस से चॉप कर लिया है। मैंने बघार के लिए मसाले ले लिए हैं, शाहजीरा, काली मिर्च, ज़ीरा और फूल, दालचीनी, 2 इलायची, लौंग, तेज़पत्ता और कड़ी पत्ता। अब मैंने 1 बड़े से पतीले में 2 टेबल स्पून ऑयल डाले, गर्म होने रख दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैं इसमें ऐड किया है प्याज, और इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बिरिस्ता बना लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा थोड़ा सा निकाल लेंगे, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे खड़े मसाले। अब ये सारे मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। देखिए भून गया है अच्छे से मसाला। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। और इसे बस इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक चॉप किए हुए, और 6-7 हरी मिर्ची, उसे मैंने बीच में चीरा लगा लिया था। अब इसे भी साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा देर भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है चिकन पुलाव मसाला 1 चम्मच, और इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप ग्रीन पीस, हरे मटर, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें वरना इसके स्किप भी कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लें सबको। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप दही, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको साथ में अच्छे से भूनना है, तब तक कि टमाटर सब गल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। गैस अपने हमें मीडियम रखना है, लो टू मीडियम। अब मैंने इसमें ऐड किया 1 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले में से टमाटर सॉफ्ट हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है एकदम अच्छे से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। मैंने 3 गिलास चावल लिया था तो मैंने 3.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हमने पहले मैरिनेशन में भी नमक ऐड किया था, इस हिसाब से नमक ऐड करें। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। जब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे चावल। चावल मैंने 2 घंटे से पहले सोक करके रखा हुआ था। पानी डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम हाई कर लेना है, और इसमें हमें चम्मच चलाते रहना है कुछ देर पर। ये देखिए पानी सूख रहा है, चावल में से पानी ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा पानी बचा है, इसे हमें थोड़ा और सुखाना है। देखिए इस पॉइंट में हल्का हल्का पानी बचा हुआ है। अब हम गैस का फ्लेम लो करके इसे दम पर रख देंगे। इसे हम लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे ढककर। ये देखिए भाप अच्छे से निकल रही है, हमारा चिकन पुलाव रेडी हो गया है, पानी सूख गया है और चावल एकदम खिले खिले बन गए हैं। देखिए
अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। देखिए हमारा टेस्टी चिकन पुलाव रेडी है। जो हमने शुरू में बेस्ता निकाला था उसे हम गार्निशिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।